गुड मॉर्निंग बच्चों, कल आप लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कोई भी ट्रायंगल या कोई भी साइड या कोई भी एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा उसकी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये चीज़ें होंगी तब कॉन्ग्रुएंट होगा। आज हम लोग उस स्टेप में आगे बढ़ते हैं और ये आज आपका दूसरा वीडियो है, V2 मीन्स दूसरा वीडियो है आपका, दूसरी क्लास है इस चैप्टर के लिए। तो हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। आगे हम लोगों को पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं उसका हम लोग क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि वो क्या क्या कौन कौन सी क्राइटेरिया है और कौन कौन से कंडीशंस हैं। पहली तो आपकी जो क्राइटेरिया है वो S, S और S, ये क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया को कहते हैं साइड और साइड। तीन बार आप देखेंगे साइड मतलब ऐसे दो ट्रायंगल बने होंगे, कोई भी दो ट्रायंगल इस तरह से बना होगा। और इसमें आपको इस क्राइटेरिया के तहत तब भी प्रूव होगा ये जब आपको ये ABC लिखा हुआ है और ये PQR लिखा हुआ है, मतलब जो करेस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब AB जो है वो PQ के बराबर हो, BC जो है वो QR के बराबर हो और AC जो है वो PR के बराबर हो, तभी हम लोग इसको कौन सा क्राइटेरिया कहेंगे, S क्राइटेरिया, मीन्स साइड क्राइटेरिया। ठीक, चलो दूसरे क्राइटेरिया की ओर आते हैं। दूसरा क्राइटेरिया आपका SAS क्राइटेरिया, मतलब कोई भी दो ट्रायंगल प्रूव अगर होगा तो तीनों साइड के उस थ्रू हुआ तो SAS क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया आपका SAS मीन्स साइड एंगल और साइड, मीन्स आपके पास पहले साइड प्रूव हो जाए, फिर एंगल प्रूव हो जाए, फिर साइड प्रूव हो जाए। जैसे मान लो अभी आपके पास कोई ट्रायंगल ऐसे दो दिए हुए हैं इस तरह के, ठीक, ऐसे आपके पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसमें आपको ये बताया जाएगा आपकी ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, और एक कोई एंगल दिया होगा कि ये जो एंगल दिया है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो हम इसको कौन सा क्राइटेरिया कहेंगे, साइड एंगल साइड, दो साइड आपकी है और एक एंगल है, ये तो वो आपकी दूसरी क्राइटेरिया। तीसरी क्राइटेरिया जो आपकी है वो है ASA क्राइटेरिया, मीन्स इसको अगर आप कहेंगे तो इसको अगर फुल फॉर्म लिखेंगे इसका तो एंगल फिर साइड फिर एंगल, यहाँ आपका था साइड एंगल साइड, यहाँ एंगल साइड एंगल, मतलब इसमें एक साइड रहेगी दो एंगल रहेगा, इसमें दो साइड थी एक एंगल था। ठीक है, चलो तो इसको भी देख लेते हैं। मान लो आपके पास ऐसे कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है किसी भी तरीके का, एक जैसा दिखना चाहिए बस, इस तरह का कोई ट्रायंगल आपके पास दो बना हुआ है, इसमें आपको पहला क्या चाहिए, एंगल चाहिए आपको। सबसे पहले आपको ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया मान लो, दूसरा ये वाली साइड जो है इस वाले साइड के बराबर हो गई, फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, तो एंगल साइड एंगल, तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो आपकी ये तीसरी क्राइटेरिया प्रूव होगी। चौथी जो क्राइटेरिया है आपकी वो है RHS क्राइटेरिया, इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड क्राइटेरिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका दो ट्रायंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो एक ट्रायंगल ऐसा है या एक ऐसा है या एक में ही दोनों ट्रायंगल बन के आ सकता है, एक ऐसे बड़ा सा ट्रायंगल दे देगा उसके बाद एक बीच में ऐसा ट्रायंगल बन के आ जाएगा, तो यहाँ 90 हो गया, यहाँ 90, ये ABC हो गया, ये D हो गया, तो आपका ABD एक ट्रायंगल हो गया, ACD एक ट्रायंगल हो गया। RHS क्राइटेरिया कब लगती है, जब कोई भी दो ट्रायंगल में एक कॉमन एंगल हो जो 90 डिग्री का हो, और उसके बाद मान लो ये साइड जो है इस साइड के बराबर हो जाएगी, ये साइड इस साइड के बराबर, या ये वाली इसके बराबर हो सकती, कुछ भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा अगर, तो हम उसको कौन सी क्राइटेरिया कहेंगे, RHS क्राइटेरिया कहेंगे। आइए हम आपकी लेट्स ट्राई पे आते हैं सीधे। अब आप इसमें देखो कि पहला क्वेश्चन जो है, ऑब्जर्व द गिवन ट्रायंगल एंड राइट द कॉन्ग्रुएंसी इन रूल सिंबलिक फॉर्म, कौन सा इसमें आपको दिया है कि कौन सी साइड कौन सा फॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है, वही आपको इसमें बताना है। तो आप देखो इसमें अगर ध्यान से, तो इसमें पहले आप ABC एक ट्रायंगल है, दूसरा LMN ट्रायंगल है, तो आप देखेंगे कि AC जो है वो LM के बराबर है, BC जो है वो MN के बराबर है, और दो एंगल जो है वो 45 डिग्री दिए हुए। आप साइड एंगल साइड कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, साइड एंगल साइड, जो दूसरी वाली क्राइटेरिया मैंने आपको बताई थी, आप यहाँ देखो, आप
साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया सॉरी साइड एंगल साइड, ये वाला क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, यही क्राइटेरिया इस जो ये जो फिगर दोनों बने हुए आपके इसमें अप्लाई हो रहा है। यही काम आपको आगे भी करना है, तो आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप ट्राई करिए लगाने का, और आप देखेंगे कि इसमें देखो दो ट्रायंगल हैं आपके, एक ट्रायंगल आपका है ए सी डी, दूसरा ट्रायंगल है आपका बी सी डी। तो इसमें सी डी एक लाइन कॉमन है, ये वाली साइड इसके साइड के बराबर है, ये वाली साइड इसके साइड के बराबर है, और ये बीच में कॉमन साइड है जो दोनों में है। आपका क्राइटेरिया आ जाएगा इसमें एस एस एस, साइड 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 क्राइटेरिया आ जाएगा। ठीक, ऐसे इसमें भी है, इसमें भी आपके पास दो ट्रायंगल हैं, इसको भी आप करो, एक ट्रायंगल आपके पास है ए डी सी, एक ट्रायंगल है आपके पास ए सी बी, इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसमें यहाँ कोई अगर पॉइंट रख लोगे तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, एक ट्रायंगल ये, लेकिन आपको इन दोनों में करना है। ठीक है, तीसरा ये क्वेश्चन है आपका, इसमें भी देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, और आपको जो प्रूव करना है तीन कंडीशंस आपको मिलनी चाहिए, तीन चीज़ें मिल जाएंगी, जो मिलता जाएगा उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप लिखते जाएंगे। ये चारों क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, ये क्राइटेरिया आपका साइड 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 पहला वाला, साइड एंगल साइड, उसके बाद है एंगल साइड एंगल, फिर आरएचएस क्राइटेरिया, इतनी क्राइटेरिया है और ये आपके क्वेश्चंस हैं। इसको आप सॉल्व करिए और जितने भी क्वेश्चंस आ जाते हैं वो आप लगाइए, जो नहीं आते हैं वो हमारे पास भेजिए। वैसे इसके बाद कोई लेट्स ट्राई नहीं है, लेकिन आज आप हमको जो क्वेश्चन भेजेंगे उस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना के मैं एक आगे वीडियो और बना दूंगा, जिससे तीसरा वीडियो आपको तीसरे दिन मिल जाए। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को लगाइए, जो चीज़ें नहीं आती हैं वो हमारे पास भेजिए, और उसके बाद ये आपका वॉल्यूम वन जो है ये फिनिश हो रहा है, आप वॉल्यूम टू की सारे लोग किताबें खरीद लीजिए, और उसके बाद फिर जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग अगले वॉल्यूम में पढ़ते हैं। ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आप लोग एक बार रिमाइंड करके अच्छे से पढ़ लेना। जो चीज़ें नहीं आती हैं इस चैप्टर में या इन दोनों लेट्स ट्राई में, आप उसको हमारे पास तक भेजिए, अगला जो वीडियो बनेगा वो आपके दिए हुए क्वेश्चन से बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।